हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, आप लोगों के लिए और खुशी के लिए। इस व्लॉग में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ है, जो कि आप काफ़ी टाइम से लाइव के ऊपर भी डीएम्स करते थे या लाइव के ऊपर मैसेजेस करते थे टिकटॉक लाइव के ऊपर, तो उस चीज़ का जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस व्लॉग को लास्ट तक देखना और देखना आपके लिए और खुशी के लिए क्या सरप्राइज़ है। मुझे, मॉम को, डैड को हमें पता है, यूवी को पता है जो कि मेरे पास बैठा हुआ है। मॉर्निंग में काम करते हैं, जब तक कि हम इसे एक सरप्राइज ही बना के रखते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी चीज़ होने वाली है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। वी ऑल सेट। और अभी मेरे पास कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बोल दिया कि हम घर पे पहुंचने वाले हैं। सो आप लोगों को सरप्राइज़ देने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ आपको खेलना है जिपलिन गेम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए डाउनलोड करें जिपलिन। जब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसको खेलते कैसे हैं, तो सिंपली आपको जिपलिन गेम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैंने लगाया 4000 की बैट एंड एयरशिप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बस हमें वेट करना है। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया एंड ये मैंने कैश आउट करे, तो सिंपली मैं जीत गया हूँ 8540 रुपये। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ और मैंने फिर से बैट लगाई एंड एयरशिप ऊपर गया, ऊपर गया। और ये मैंने कैश आउट किया तो मैं जीत गया हूँ 9300 रुपये। तो देखा कितना सिंपल है ना, तो आप भी जाइए डाउनलोड करें जिपलिन, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने पर आपको मिलेगा 100% बोनस अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन से यूज़ करेंगे। तो देखा कितना इजी है, जल्दी जाइए डाउनलोड करें जिपलिन। मैम मैम केले कहाँ मेरे? केले नहीं, केले गांव वाले जो प्रॉपर केले नहीं लाए मैम। मैंने पैसे दे दिए थे पेटीएम में। हमारे पता क्या बोलते हैं? केले। पूछा किसी ने? मैं बता रही ना, अब नहीं जा रही हूं। तीन तीन देते मैम को गिलास, सारे मैम को देते। नहीं नहीं नहीं, सारे देते मैम को। मैम दो ना, दो मैम। यूवी कौन सा अच्छा है बेटा, टेस्टी कौन सा है? नहीं एक काम कर लो ना, फिर वो लास्ट ऑप्शन घूंट मार मार के शादियों में देखती होंगी ना। हाँ कितना गंदा। शादी पे गए थे, सबसे ज्यादा रसमलाई किसने खाई थी? इन्होंने इतनी मैं से वो जैसे बच्चे के हगीज में लगी रहती है, जैसे बच्चे के हगीज में लगी रहती है। क्या निकला आप देखना, आप देख रहे वीडियो ये आदमी बहुत खराब है। अभी खुशी अभी देखियो, अभी देखना खुशी इसका। मैंने दो वीडियो रखी है संभाल के, ये देखना। ये कहाँ गया था? ये जयपुर की नहीं है भाई? दिमाग तो है मैं ना, दिमाग नहीं है। यार मैम आप क्या क्या लाए थे? क्या लाए थे आपको? एक ए, ए, ए। भाई केले नहीं मिले मैम। मैम इसमें क्या है? इसमें ये यूवी का ऐसे ऐसे आईज क्लोज कर ले, ये यूवी का बैग और ऐसे कर ले बस। दबा सामान गिरने नहीं चाहिए। जो गिरा वो खुशी का। ये भी गिरना नहीं चाहिए। मैडम एक बैग और बार बोल, पता नहीं बार रखा था कैसे लाए हो मेरे दिमाग में। तीन केले लाए हो यार, लड़ाई मैम। यार सुनो ना, इससे अच्छा नहीं लाते यार, किसे किसे दोगे? नहीं लड़ाई हो जाए। यार नीलम मैम आपको सलाम। यू भी यार, अरे वाह, अरे आई लाइक ये पहन के तू पट से हेड शॉट। यार मैम थोड़ा सा बड़ा ले लेती मेरे ही ना जाते। अब बोल ये विवेक की कैपरी और खुशी की कैपरी। नहीं मेरे कैपरी मेरे पजामे ही आएगा।
यार मैम टी शर्ट तो है यार यार मैम इसकी क्या जरूरत थी यार अरे वाह अरे मैम इनकी क्या जरूरत थी यार शिट यार मैम मूड अच्छा खासा बढ़िया कर दी अंकल आपके लिए मैं ये अंकल ये फिलहाल खुशी को भी आ सकता है फिलहाल खुशी यूज नहीं यार बहुत बहुत प्यारी लग रही है टीचर खुशी और सबको खुशी तेरे लिए मिला कुछ भी यार नहीं मिला अरे और खुशी ये दोनों तुझे आ जाएगा मुझे यार मैम रहन देते हैं यार ये टॉप ये खुशी के लिए कैसे फाइनल किया पता है इनको एक बार के लिए मैंने दुकान वाला क्या बोलता है मैंने ना जैसे दुकान वाला गया ना मैंने ये उठाया मैंने कहा खुशी ड्रामा फटाफट तो ये आए तो मैंने ना ऐसे करके ऐसे किया तो फिर ना तो दुकान वाला बोलता मैडम कहता होगा साला सीन क्या है मैंने कहा क्यों क्या हुआ कह रहा नहीं आप किसके लिए ले रहे हो और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कुर्ती मैं आंटी के लिए अरे वाह मेरे लिए भी नंबर वन बिजनेसमैन और यहाँ पे देर रात खेल चलता हुआ और अभी के लिए गुड नाइट अभी मिलते हैं हम कल सुबह क्योंकि सर अभी शो शो करेंगे तो जब तक हम खेल लेते मेट्रो की मुझे एक ही बार याद है आप और विवेक वो उस पे लटक जाते हैं यार चले कहीं घूमने चले अभी हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने और खुशी थोड़े से पैसे खर्च करवा के मानेगी आज उससे पहले मानेगी नहीं आज काफी टाइम बाद ही घर से बाहर जा रही है ना क्या क्या लोगी अच्छा चुलबुले कुरकुरे एक मस्कारा तो फाइनली ऑल सेट हम सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं और भाई यार ये कौन आ गया पीछे अरे मैं आऊंगी तो अभी खुशी भी रेडी है और हम सब मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने के लिए मतलब काफी टाइम बाद मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अभी हम दोबारा एक बार घर जा रहे हैं क्योंकि महारानी जिस काम के लिए हम जा रहे थे मेन वही चीज घर भूल गई इसने एक जो गिफ्टेड कुर्ती थी मैम द्वारा वो उसको आई नहीं और उसको उसको चेंज करना है तो कह रही है अब रास्ते में जाके कि क्या नाम है वो तो घर ही रहेगी यार भूल गई ना मैं सर सर प्लीज सुनो मेरी बात आपको मैडम मुझे क्यों मार रहे हो क्या वो फिर मैं हम करते जब देखो तो बहन के पैसे खाता हो जब देखो तो बहन के पैसे खा रहा होता है करने देना जीजा जी को खर्चा तुझे क्या दिक्कत हो रही है खुशी यार रोकने सर को नहीं बने जो भी रुड़की की अपने फैम है वो सब इस जगह को बहुत अच्छे से जानते होंगे इट्स ब्लू ब्रिज मैम को आज एक जादू दिखाएंगे मैम आप देखो हिला के देखो उसको आपने आज लाइक क्या बनाया बताओगे एक बार हलवा दिखाओगे ओ माय गॉड तो आज हमने बनाया बेसन और सूजी का हलवा अब हम इसे बहुत जल्दी पैक करने वाले हैं और आज पैकिंग में हमारी नीलम मैम भी हेल्प करने वाली है तो नीलम मैम कहाँ हो आप हम लोग निकलते हैं ये तो भारी हो गया मैडम आज पर्दाफाश होगा उस चीज़ का बहुत दिन से मैडम जो है वो बता नहीं रही थी आपको कि संस्कृत की टीचर आज अच्छे से संस्कृत बोल के भी दिखाएगी आप लोगों को तो मिलते हैं व्लॉग में मुझे नहीं शूट करेंगे हाँ
मैम वाकई में, वाकई में मैम संस्कृत की टीचर है, बहुत अच्छी। मने गुजराती आवड़े छे। आवड़े छे? अने मला मराठी पण येतो आहे। और यहाँ पे एक लाने की वेट, जैसे एक आ जाएगा तो मैं जीत का बिगुल बजा दूंगा। चलो 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 अब यूवी आप करना क्या, अब तो मैं जीत जाऊं। यूवी आई वांट वन। इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता था। हमेशा मैं आपको नीला मैम के बारे में बताता था, खुशी बता देती थी, तो आप लोगों को डाउट रहता है क्योंकि बहुत से लोग नहीं आ पाते लाइव पे, उन्हें नहीं लग पाता। तो हाँ, जो आपको मैंने बताया था वही है, नीला मैम हमारी संस्कृत की टीचर थी, मतलब खुशी की नहीं, मेरी टीचर थी। और मैम हमेशा से बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाती थी, जो साथ में दिख रहे हैं प्रशांत सर। ये व्लॉग क्यों कर रहे थे, ये तो झूठ है, तुम वापस से झूठ ही बता रहे। वही तो। अच्छा सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। और ये एक छोटा सा मजाक है, इतना टाइम निकाल के बैठ रहे फिर भी वही बोल रहा है। ये सही में एक मजाक था। अभी जो खुशी आपको बताने जा रही है वो एक सच्चा, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मैम को लेके या सर को लेके। तो जब हमने टिकटॉक स्टार्ट करा था तब हमें एक रैंडम विवेक को मैसेज आया था इंस्टा के ऊपर में। तो विवेक ने मुझे बताया था ऐसे ऐसे कंपनी हमें मिलने जाना है। तो हम लोग तब फर्स्ट टाइम मैम से मिले थे और हमें नहीं पता था फर्स्ट टाइम इतना लंबा हो जाएगा। सर भी मिले थे, सर का अपना काम है लेकिन उसी ऑफिस में थे। तो धीरे 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 एक्चुअली टिकटॉक साइड हो गया, हमारे रिलेशन जो हो गए ऐसे थोड़े फैमिलियर हो गए। एक ही सिस्टर के नाते मेरी क्या ननद भी लग, कन्फ्यूजन, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से आदत पड़ी हुई है नीलम मैम प्रशांत सर बोलने, सर बोलने की, तो वो आदत नहीं निकलती क्योंकि वो नहीं निकलता एकदम से कि मैम को ऐसे दीदी और उन्हें जीजू कि दीदी जीजू आओ। मजाक में हम घर में तो भाई हमने इतनी मस्ती करते हैं, बिलीव नहीं करोगे आप लोग, और आपने काफी सारी वीडियोस हमारे साथ में देखी भी हुई है। तो मैंने आज कोशिश भी करी कि मैं दीदी बोलूं, मैंने मैम को कहा मैं दीदी, और सर को देखा मैंने कहा भाई इन्हें मैं जीजू नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। तो खुशी आप कुछ बोल रही थी फर्स्ट टाइम के बारे में। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मिले थे हम लोग, मिलने गए थे तो मुझे पता भी नहीं था कौन है, तब थोड़ा डर लगता था, फिर धीरे 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 हमारी बातचीत हो गई, शॉपिंग करने लग गए साथ में। फिर हम लोग यही डिस्कशन करते थे, हमारी ज्यादा यही होती थी कौन सा टॉप पहन के आ रहे हैं, कौन सा मेकअप। और लोगों से हमें क्लियर करना है कि बहुत बार शॉपिंग में और खुशी साथ में करते तो क्या होता है, बहुत बार जब हमें कपड़े पसंद आते तो हम सेम ले लेते और जान पूछ के वो चीज ली जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा नहीं होता कि गलती से मैम ने ले ली, गलती से खुशी ने, ये जान पूछ के सिलेक्ट करते थे पहले जब साथ में शॉपिंग करने जाते थे कि हम ग्रीन साथ लेंगे, येलो साथ लेंगे। तो आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। एंड लाइक फॉर मी राइट नाउ खुशी एंड विवेक आर्टिस्ट से बहुत बढ़कर हैं। अभी फिलहाल के लिए ये मेरा एक वो वाला भाई हो चुका है जो आप घर में लड़ाइयाँ करते हो, और ये मेरी वो वाली सिस्टर हो चुकी है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। खुशी मेरे से छोटी है तो इसलिए अगर हम भैया भाई बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको प्यार से लाइक मैं खुशी बुलाती हूँ। और मेरी और इसकी ऐसी कि डेली बात होती है, हम दोनों डेली अपनी चीजें शेयर करते हैं। लाइक खुशी का शायद ही कोई फ्रेंड होगा जिससे वो अपनी खुल के हर एक बात कर पाती है, लेकिन और मेरे लिए भी यही है। और मोस्टली ये है कि लाइक हमारा ऐसा एज ग्रुप है ना जहाँ पर हम बहुत कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली सब यार, आई एम नॉट अ संस्कृत टीचर, प्लीज मुझे इतने कॉमेंट्स आए ना कि मेरी जो येलो साड़ी आपके जूते का और लाइक मैं क्या कॉमेंट करूँ यार, मैं आपने मुझे कभी देखा ऐसे येलो साड़ी और संस्कृत की मेरे बारे में दो अच्छी चीजें बोल दो, विवेक के बारे में मेरे बारे में दो लाइन बोल दो। बहुत ही प्यारे कपल्स हैं और लाइक जब से हम इनके साथ हैं और लाइक एक हमारी अच्छी फैमिली वाली बॉन्डिंग बनी है, बट विवेक अच्छा नहीं है। और खुशी की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ वही है जो वो बिहाइंड द कैमरा है। सो फॉर मी आप लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ऐसी फैमिली से जहाँ पर चाहे वो लड़की बाहर से हो, चाहे वो लव मैरिज, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का चीज़ हो, बट उनको जो प्यार है वो सही में वैसा है। ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसा शो करते हैं फॉर यू नो समथिंग, बट यस इट इज़ फॉर रियल। अब ये विवेक ने मुझे इसके पैसे दिए थे बोलने के। मैं मेरे बारे में तो लाइन। अच्छा, विवेक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये लड़का अपने काम को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, वो दिन रात मेहनत करता है। लोगों को लगता है कि यूट्यूब इज वेरी इजी टास्क, टिकटॉक बनाना बहुत आसान है, बट यस रियली ही वर्क्स। वो लाइक बहुत ज्यादा मेहनत करता है एक एक शॉर्ट के पीछे। लाइक आज वो मुझे सुबह से बहुत परेशान कर रहा है, दीदी आप ऐसे आओ वैसे आओ ये आओ वो, मेरे से नहीं हो रहा था। तो वो सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दोनों। और खुशी का ये जो कंडीशन है फिलहाल उसमें उसने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाई। आप लोगों का सपोर्ट, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करो उसको अभी भी और ऐसे आगे करते रहना सपोर्ट। लव यू ऑल, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, लव यू, बाय।
सो गाइस जाने से पहले मैं आपको बता दूं, सिंपली आप भी गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा मैंने कमाए, ये देखिए 17,300 रुपये। सिंपली आपको गेम खेलकर इजीली आप पैसे अर्न कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो जल्दी जाइए रजिस्टर करें।